उस रात की पूरी सच्चाई जब ब्रे वाइट ने ली अपनी आखिरी सांसें। अगर वाइट ये गलती ना करते तो बच सकती थी उनकी जान। जानेंगे असली सच इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, ब्रे वाइट के गुजर जाने के बाद हर कोई उन्हें याद कर रहा है। WWE सुपरस्टार्स ने वाइट से जुड़ी कई सारी रियल लाइफ स्टोरीज बताई, जिससे पता चला कि असल जिंदगी में वो कितने अच्छे इंसान थे और भगवान अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। वाइट की डेथ का असली कारण हार्ट अटैक बताया गया था, लेकिन अब इससे जुड़ी एक बड़ी न्यूज सामने आई है जिससे असली सच का पता चला। दरअसल TMZ की एक नई रिपोर्ट में बताया गया कि ब्रे वाइट 24 अगस्त की सुबह नहीं उठे, जिस वजह से उनकी होने वाली पत्नी जोजो ऑफरमैन को चिंता होने लगी, क्योंकि वाइट के पास रखा अलार्म पिछले एक घंटे से लगातार बज रहा था, लेकिन उन्होंने उठकर उसे बंद नहीं किया। जोजो के मुताबिक ब्रे वाइट को उनके बेड पर पाया गया, उस वक्त वो सांस नहीं ले रहे थे और उनका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। उनकी गर्लफ्रेंड ने 911 पर इमरजेंसी कॉल किया। इस दौरान वाइट की मां ने उन्हें CPR देने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मतलब रात में जब ब्रे वाइट सो रहे थे तभी नींद में उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। जिस रात वाइट को हार्ट अटैक आया उससे ठीक पिछले दिन उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया था, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें हार्ट डेफिब्रिलेटर लगाए रखने की सलाह दी थी। डेफिब्रिलेटर असल में एक छोटा सा बैटरी से चलने वाला डिवाइस होता है, जिसे दिल की धड़कनों का पता लगाने और रोकने के लिए चेस्ट पर रखा जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ब्रे वाइट ने यह डिवाइस नहीं लगा रखा था और उन्हें उसी रात हार्ट अटैक आया, जिससे वो दुनिया को अलविदा कह गए। पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान ये डिवाइस ब्रे वाइट की कार में पड़ा मिला। अगर वाइट अपना ध्यान रखते और इस डिवाइस को लगाए रखते तो शायद उनकी जान बच सकती थी। वहीं इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हार्ट अटैक आने से एक हफ्ते पहले ब्रे वाइट को हॉस्पिटल में भर्ती भी किया गया था। वो काफी परेशान थे। भले ही आने वाले समय में हमें WWE में कोई दूसरा डरावना कैरेक्टर देखने मिले, लेकिन फिंड ब्रे वाइट जितना खतरनाक कोई नहीं हो सकता। रेस्ट इन पीस विंडहम, हम सब आपको बहुत याद करेंगे। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।